नमस्कार मित्रों, आइए सुनते हैं लघु व्यंग अकाल उत्सव, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। दरारों वाली सपाट सूखी भूमि, नपुंसक पति की संतान एक छू पत्नी की तरह बेकल नंगी पड़ी है। अकाल पड़ा है, पास ही एक गाय अकाल के समाचार वाले अखबार को खाकर पेट भर रही है। कोई सर्वे वाला अफसर छोड़ गया होगा, आदमी इस मामले में गाय बैल से भी गया बीता है। गाय तो इस अखबार को भी खा लेती है, मगर आदमी उस अखबार को भी नहीं खा सकता जिसमें छपा है कि अमेरिका से अनाज के जहाज चल चुके हैं। एक बार मैं खा गया था, एक कालम का 6 पंक्तियों का समाचार था। मैंने उसे काटा और पानी के साथ निगल गया। दिन भर भूख नहीं लगी। आजकल अखबारों में आधे पन्नों पर सिर्फ अकाल और भुखमरी के समाचार छपते हैं। अगर अकालग्रस्त आदमी सड़क पर पड़ा अखबार उठाकर उतने पन्ने खा ले तो महीनों भर भूख नहीं लगे। पर इस देश का आदमी मूर्ख है, अन्न खाना चाहता है, भुखमरी के समाचार नहीं खाना चाहता। आइए सुनते हैं व्यंग रचना बाएं क्यों चलें। साधु, हमारे देश का आदमी नियम मान ही नहीं सकता। वह मुक्त आत्मा है, वह सड़क के बीच चलकर प्राण दे देगा पर बाएं नहीं चलेगा। मरकर स्वर्ग पहुंचेगा तो वहां भी सड़क के नियम नहीं मानेगा। फरिश्ते कहेंगे कि बाएं चलो तो वह दाहिने चलेगा। साधु, आत्मा अमर है। सड़क पर दुर्घटना में सिर्फ देह मरती है, आत्मा थोड़े ही मरती है। इस तुच्छ देह के लिए ज्ञानी इतना अनुशासन क्यों सीखे कि सड़क के बाएं बाजू चले। साधु, मैं तो पुलिस का भक्त हूँ, सो फौरन बाएं बाजू हो जाता हूँ। मैं कायर हूँ, मगर उन्हें नमन करता हूँ जो सड़क के नियम नहीं मानते। लघु व्यंग कथा वात्सल्य। एक मोटर से 7-8 साल का एक बच्चा टकरा गया, सिर में चोट आ गई। वह रोने लगा, आसपास के लोग सिमट आए, सब क्रोधित, माँ बाप भी आ गए। पकड़ लो ड्राइवर को, भागने ना पाए, पुकार लगने लगी, लोग मारने पर उतारू। भागता है तो पिटता है, लोगों की आंखों में खून आ गया है। उसे कुछ सूझा, वह बढ़ा और लहू में सने बच्चे को उठाकर छाती से चिपका लिया। उसे थपथपा कर बोला, बेटा बेटा। इधर लोगों का क्रोध गायब हो गया था। माँ बाप कहने लगे, कितना भला आदमी है, और होता तो भाग जाता।